हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य रचनाएं से, और यहां से हम 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज इस वीडियो में उपन्यास, रचनाएं, साथ ही साथ आपको दो चार प्रश्न मिक्सअप मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि समय समय पर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि चंद्रयान के रचयिता हैं, चार ऑप्शन भी आपको दिया है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर मुल्ला दाऊद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया है किस पे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर? तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी अगर आप लगाते हो तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। आपका आंसर किसके साथ जाएगा? तो द्विवेदी के साथ ही जाएगा, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी सुमित्रानंद पंतन की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या श्रीधर पाठक में? अगर आप सूर्यकांत त्रिपाठी सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इसका पहला सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत ही के कुछ कृतियों को हमें याद करनी चाहिए, जैसे कि पल्लव हो गया, चितंबरा हो गया। ये किसकी है? तो पंत जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो सात कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? अगर हम यहाँ पर बात करें कि तार सप्तक, तो आप सभी ने सुना होगा तार सप्तक होता है, लेकिन कौन सा तार सप्तक होता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन भी आपको दिया है, पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक या तार सप्तक। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी जाएगा, यानी कि तार सप्तक वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, जयप्रकाश कर्दम, या शिवराज सिंह बचैन की? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मोहनदास हो जाएगा, यानी कि नैमिषराय ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी रचना है। चार ऑप्शन भी आपको दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? सौ अजान और एक सुजान, धूर्त रसिकलाल, निस्सहाय हिंदू, या फिर श्यामा स्वप्न? तो आप जानते होंगे कि इसमें कौन सा होगा, यानी बाण भट्ट का है। तो पहला सौ अनजान और एक सुजान, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, और ये क्वेश्चन दो बार सीटेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदाम उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। चार ऑप्शन भी आपको दिया है कि बहुत कम चरित्रों के शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और विरोधी वातावरणों, या दार्शनिक श्रेणी के चरित्र द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा, या फिर साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से? तो गोदान जो उपन्यास बहुत लोगों ने सुना है, क्या आप जानते हैं ये किसकी उपन्यास है? तो इसका ऑप्शन आपको अभी भी मैंने पढ़ के बताया, तो ये उपन्यास प्रेमचंद्र जी का है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और विरोधी वातावरणों के साथ कमी आई थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? आपको चार ऑप्शन इसमें दिया है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, या फिर रतन बावनी। तो कौन सी कृति है? तो रामचंद्रिका हो जाएगी इसकी, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपसे सूत्र पूछा जा रहा है कि ये सूत्र किसका है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ रहा है कि किसका सूत्र है। तो आपको चार ऑप्शन दिया है, भरत मुनि, कृतंक, वामन, या क्षेमेंद्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भरत मुनि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, या उपरोक्त सभी? कौन सा हो जाएगा?
अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आपको आदर्श हिंदी शिक्षक बनना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है कि आप इस चारों को फॉलो कर रहे हैं? तो हाँ, आप इस तीनों को फॉलो कर रहे हैं यानी कि आदर्श में उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की अगर बात करते हैं, अभी हमें रचना और उपन्यास की बात की है, अब हम आते हैं नाटक पर। जब भी नाटक की बात आती है तो कक्षा अभिनय प्रणाली हो जाएगी, ना कि ये तीन होगी। तो इसका सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्सल्य अगें या मुक्तिबोध। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दंत्यवण है, आपको चार ऑप्शन दिया है, ट, च, त और उ। तो आपको चार ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि इसमें से दंतंत कौन सा है, यानी कि जब आप ट को बोल के देखोगे तो क्या वो दांत से टच होता है? नहीं होता है। च को बोलेंगे तो क्या वो दांत से टच होता है? तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर त को बोल के देखिएगा, जब आप त को बोलते हैं तो ये दांत से टच होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऊंट, काठ, दुग्ध, काम। अगर हम ऊंट को देखें तो ऊंट को उष्ट कहते हैं, ये होगा नहीं। लेकिन दूध को जब दूध लिखते हैं तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि दूध। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।